हाय फ्रेंड, आज हम लोग बनाने वाले हैं हैंडमेड स्टिकर्स, जिसके लिए मैंने ले ली है एक स्टिकर शीट एंड अ लेड पेंसिल। सो लेड पेंसिल की हेल्प से मैं स्टिकर्स ड्रॉ कर लूँगी। सो हमारी स्केचिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कलरिंग पार्ट से, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगता है। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ एक्रेलिक पेंट्स। आप लोग कोई भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वाटर कलर्स, पेंसिल कलर्स या फिर मार्कर कलर्स। कलर करने में मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब इसी तरह मैं सारे स्टिकर्स में कलर करूँगी। जब तक मैं स्टिकर्स में कलर कर रही हूँ, आप वीडियो को लाइक कर दो और जल्दी से कमेंट में बता दो कि अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए। स्टिकर्स में कलर्स कर लिए हैं, अब मैं ब्लैक कलर की हेल्प से इन्हें आउटलाइन करूं। हमने अपने सारे स्टिकर्स में कलर्स फिल कर लिए हैं, लेकिन जो हमने पेंसिल से रफ स्केच ड्रॉ किया था वो अभी भी नजर आ रहा है। सो हम उसे रेज करेंगे एंड देन मैं स्टिकर्स को रफली कट करूंगा। कट करने के बाद हम लेंगे ट्रांसपेरेंट टेप एंड हम वो स्टिकर्स पर लगाएंगे। टेप लगाने से हमारे स्टिकर्स पर शाइन आएगी और ये वाटरप्रूफ बन जाएंगे। देन वन बाय वन करके मैं इन्हें कट करूंगी एंड हमारे स्टिकर्स रेडी हैं। आप इन्हें कहीं पर भी चिपका सकते हो, अपने लंच बॉक्स पर, अपने कबर्ड्स पर, अपने बैग्स पर एंड कहीं पर भी। अगर आपके पास स्टिकर शीट नहीं है तो आप इन्हें नॉर्मल पेपर पर भी बना सकते हो एंड इन्हें चिपकाने के लिए आप डबल साइडेड टेप का भी यूज़ कर सकते हो और ग्लू का भी। फ्रेंड्स, मुझे तो ये बहुत पसंद है। कि आपको अच्छे लगे हैं जल्दी से कमेंट में बता दो। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दिया करो एंड अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।